विवादों में घिरी आरपीएससी की टीम ही अब भर्तियों को पूरा करवाएगी। पहले यूपीएससी की तर्ज पर पुनर्गठन करने के वादे भजनलाल सरकार ने किए थे, लेकिन अब आरपीएससी की टीम ही भर्तियों को पूरा कराने का काम करेगी। दरअसल आपको बता दें, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तब सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले में आरपीएससी पर सवालिया निशान खड़े किए थे, और जब जांच हुई तो बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी का सदस्य था वो पेपर लीक में लिप्त पाया गया। उसके बाद सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा शुरू करी और उन्होंने कहा आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए। हालांकि अभी भी सचिन पायलट अपने बयान पर काबिज हैं। उनका कहना है कि मैं पहले जो बयान दिया था उस पर अभी भी जो है वही बयान अब मैं दूंगा। उन्होंने कहा पेपर लीक के मुद्दे को लगातार सरकारें बुनाती हैं, लेकिन सफ़र जो है युवाओं को करना पड़ता है। पेपर लीक का मुद्दा जब बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी भी लगातार पेपर लीक के मुद्दे को बुनाने में लगी थी और युवाओं का हवाला देने में लगी थी। बीजेपी का कहना था हम सत्ता में आएंगे तो यूपीएससी की तर्ज पर पुनर्गठन करेंगे, लेकिन अब वापस आरपीएससी ही जो है भर्तियों को पूरा कराने का काम करेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो है सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लगातार आरपीएससी को लेकर सवालिया निशान खड़े करने में लगा था। लगातार आरपीएससी पर जो है पेपर लीक के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब आरपीएससी ही जो है पेपर और भर्तियों को पूरा कराने का काम करेगी। यूँ कह सकते हैं कि अब आरपीएससी को ही जिम्मा दे दिया गया है। जो वादा किया गया था यूपीएससी की तर्ज पर पुनर्गठन का, उसे अब शायद भजनलाल सरकार पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें 1 अगस्त को आरपीएससी के चेयरमैन संजय सौत्री का रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद कौन आरपीएससी का नया चेयरमैन बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं तो तेज़ हो गई ही हैं, लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि आरपीएससी पर जिस तरह सवालिया निशान खड़े किए गए थे, लगातार एक के बाद एक भर्तियों में पेपर लीक को लेकर सवालिया निशान सामने आ रहे थे, लगातार राजनेता सवालिया निशान खड़े करने में लगे थे, लेकिन अब जिस तरह आरपीएससी पेपर पूरा करवाएगी इसको लेकर विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। सदन में भी इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कह रहे हैं कि जो वादा भजनलाल सरकार ने किया था आखिर उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। एक तरफ भजनलाल सरकार कह रही है पेपर लीक माफियाओं पर हम लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार माफियाओं को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है, धरपकड़ भी की जा रही है, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है और संपत्तियों का ब्यौरा भी लिया जा रहा है। एक ही भर्ती नहीं, आपको बता दें इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने भी 3 भर्तियों पर सवालिया निशान खड़े किए थे, एसओजी पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे और पैसे लेने के आरोप लगाए थे। इससे पहले जारोली पर भी पेपर लीक के आरोप लगे थे। संजय सोत्रे जो कि वर्तमान में चेयरमैन है, हालांकि उनका रिटायरमेंट 1 तारीख को हो जाएगा, लेकिन अब आरपीएससी के चेयरमैनों पर भी जिस तरह सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, अब वही आरपीएससी पेपर पर जो है भर्तियों को पूरा कराएगी तो क्या पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी? क्योंकि सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, लगातार पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम देने को लेकर आरपीएससी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। युवाओं का जिक्र हो रहा था, युवा सड़कों पर उतर रहे थे, सड़कों पर उतर कर आरपीएससी पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। बहरहाल अब आरपीएससी इन भर्तियों को पूरा कराएगी, क्या पेपर लीक की घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी अब भर्तियों का कैलेंडर जारी होने के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।